सी में आप सबकी सलामती हो मैं तानिया कमल प्रोग्राम मसी नज़र के साथ अजीज़ों एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आ, मैं चाहूँगी कि वेलकम करें गेस्ट को पासा वेलकम टू तो द प्रोग्राम थैंक यू बेटे कैसी तबीयत है आपकी बिल्कुल ठीक हूँ भाई साहब आज हम आपसे सीखना चाहेंगे हक पर गवाही और इसके लिए मैं आ, एक रेफरेंस रीड करूँगी मरकज़ की अंजील उसका चौदहवा बाप और उसकी इकसठ से लेकर उसकी चौंसठवीं आयत तक मुकदस में यूं मरकूम है मगर वो खामोश ही रहा और कुछ जवाब ना दिया सरदार काहन ने उससे फिर सवाल किया और कहा क्या तू उस स्तूदा का बेटा मसी, मसी है? यसु ने कहा हाँ मैं हूँ, और तुम इबन आदम को कादर मतलिक के दहनी तरफ बैठे और आसमान के बादलों के साथ आते देखोगे सरदार काहन ने अपने कपड़े फाड़ कर कहा अब हमें गवाहों की क्या हाजत रही तुमने ये कुफ़र सुना तुम्हारी क्या राय है आमीन अब यहाँ पर जो है ये जो भी रेफरेंस मैंने तलावत किया इसमें खुदावन यसु मसीह से कोई आम आदमी नहीं बल्कि सरदार काहिन मुखातिब है और यहाँ पर जो लोग जमा हैं वो भी कोई आम लोग नहीं हैं फिका के माहिर लोग थे और उन्होंने यसु मसीह से बातचीत करने के बाद कहा कि ये वाजिबुल कत्ल है और लेकर उनको जाते हैं कहाँ पर पिलातूस के पास अगर वो वाजिबुल कत्ल है और वो इतने बड़े लीडर्स हैं और सारी लीडरशिप और डिक्टेटरशिप दे रहे हैं और फैसला भी सुना रहे हैं तो फिर पैंतूस पिलातूस के पास क्या लेने गए थे बेटे आपने जो बात की ये बिल्कुल सही बात की है और कलाम भी यही कहता है और पेशेंट को ये भी यही कहती हैं कि ऐसा ही होना था तो जब उन्होंने यसु से कहा कि क्या तू अस्तुदा का बेटा यानी खुदा का बेटा मसीह है तो यसु ने इनकार नहीं किया बल्कि उसने इकरार किया और उसने कहा कि हाँ मैं हूँ तो जब उसने इकरार कर लिया तो उसके ऊपर उन्होंने बलाजमी का लॉ लगा दिया यहूदी शरीयत में कोई इंसान अपने आप को खुदा का बेटा कहे तो यहूदी ये बात तस्लीम कर ही नहीं सकते थे तो उन्होंने जैसे ही ये इल्ज़ाम लगाया उन्होंने कहा कि कुफर बका अपने कपड़े फाड़े और तमाशा शुरू कर दिया यसू को मारना शुरू कर दिया और कहने लगे कि तू नबूत कर पिता मारे मार और ये सब कुछ वो करने लग पड़े हालाँकि उनको उसके बाद क्या करना चाहिए था वो उसे खोपड़ी के मकाम पे ले जाते और वहां पर एक दे कड़ी दे दे करते और उसको कील लगा कर खड़ा देते लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकते थे क्योंकि वो रोमन्स के मतह थे रोमन्स के मतहत थे और रोमन जब तक मौत की तस्दीक ना करते यानी गवर्नर जो था वो पलातूस था वो मौत की तस्दीक ना करता वो उसको कभी भी सलीब नहीं दे सकते थे और वो चाहते थे कि इसको सबसे खराब सजा मिल जाए यानी इससे बुरी सजा तो कोई है ही नहीं और कोई नहीं है, तो वो उसको ये सजा देना चाहते थे इसलिए वो उसको ले गए आप एक तरह हवाला पढ़ें, ये पदाइश की किताब फोर्टी नाइन चैप्टर की दसवीं आयत पैदायश में उम्र कुम है यहूदा से सल्तनत नहीं छुटेगी और ना उसकी नस्ल से हुकूमत का असा होगा जब तक शलो ना आए और कौमें उसके मती होंगी देखें यहूदा से सल्तनत नहीं छुटेगी तो यहूदा से सल्तनत अब छूट गई है उनके कौन उसके रोमन उनके वो थे बास थे वो, वो उनके उनके मतहत थे तो यहाँ पर सल्तनत छूट गई है तो इसका मतलब है कि आ, सलामती का शहजादा आ गया है शलवा जो है शलवा पढ़ते हैं या शलो पढ़ते हैं ये अबरानी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है सलामती तो नौ बाप की आयत में लिखता है वो सलामती का शहजादा होगा तो ये इसको जो, जो मंसूब करते हैं वो मसीह से करते हैं कि मसीह जब आएगा तो जो यहूदियाँ इनके पास अख्तियार नहीं होगा यहूदियों की कौंसल का जो जो सनिडन थी इसका जो सदर था ये सरदार कहन होता था और फ़िका के माहिर जो लोग थे वो उसके मेंबर होते थे तो ये उनके पास अख्तियार होता था कि वो फांसी की या उसके किसी के माल को जब्त करने की सजा जो बड़ी सज़ाएं थी वो देते थे तो ये ये इनसे छूट गया था तो जो ये लिखा है कि असा ना छूटेगा असा जो होता है ये कबायली कबाइलों की पहचान होती है जैसे युदा का जो असा था ये उनका अख्तियार था ये उनकी हुकूमत की निशानी थी इसके ऊपर उनका नाम खुदा होता था ये पहला निशान उस वक्त ज़ाहिर हुआ जब हैर से आज़म को यरूशलेम का हाकम बनाया गया और उसने आते ही सनड्रन के सारे इख्तियार ख़त्म कर दिए और यहूदी बात जानते थे कि ये हमारे अख्तियार जब ख़त्म होंगे तो उस वक्त यसु मसीहा जो है वो आएगा तो ये बात वो अच्छी तरह जानते थे क्योंकि जब वो सत्तर साल गुलामी थे में थे तो उस वक्त भी उनसे ये यह छीना नहीं गया था मकाबीन यानी लावी इंसाफ करते थे अगर आप इसके लिए हवाला निकालें अजरा की किताब उसके सातवें बाप की पच्चीसवीं और छब्बीसवीं आए थे के कलाम में यूँ मै आए अजरा तू अपने खुदा की उस दानिश के मुताबिक जो तुझको अनायत हुई हाकमों और काज़ियों को मुकर कर ताकि दरिया पार के सब लोगों को जो तेरे ख़ुदा की शरीयत को जानते हैं इंसाफ करें और तुम उसको जो ना जानता हो सिखाओ और जो कोई तेरे खुदा की शरीयत पर और बादशाह के फरमान पर अमल ना करे उसको बिला तोफ़ी कानूनी सज़ा दी जाए ख़्वा मौत या जलावतनी या माल की जब्ती या कैद की हाँ, मौत की सजा नहीं दे सकते थे यहूदी इसलिए यहूदी यह को उसके ऊपर फतवा लगा कर उसको ले गए के दरबार में अच्छा भाई साहब आपने अभी अभी कहा कि सत्तर साल गुलामी में उनसे ये इख्तियार नहीं लिया गया जबकि शलो यानी मसीह खुदावन जब आ गए तो तब ये अख्तियार ले लिया गया ऐसा क्यों क्योंकि ये मसीह के आने का सही वक्त था क्योंकि जिस दिन ये इख्तियार लिया गया उस दिन उस तीस साल गुजर गए थे और यसुम उस वक्त पैदा हो चुके थे तो ये यसुमसी के आने का वक्त था जब अख्तियार छिना जाना था क्योंकि यकूब ने अपने बच्चों से कहा था बारह बच्चे जो बारह कबीले हैं उनको कहा था कि सारे कबीले के सारे बच्चे मेरे पास आओ मैं तुम्हें वो बातें बताऊंगा जो तुम्हारे साथ मुस्तबिल में तुम्हारी नस्ल के साथ मुस्कबिल में होनी है और फिर तुम्हें बरकत दूंगा तो उसने पहले बता दिया था कि यहूदा के कबीले से आएगा और उस वक्त आएगा जब अख्तियार छिन जाएगा तो ये हैर आजम ने अख्तियार छीना था और इसके पूरे तीस साल पहले की बात है और तीस साल उस वक्त यस्ु की पैदाइश हुई थी तो ये से एग्जैक्ट वक्त पर हुआ था क्योंकि खुदा जो काम करता है वो चुपके से नहीं करता बल्कि पहले से उसको बता देता है कि ये काम फिलहाल वक्त में होगा और यहूदी जो आलम थे वो जानते थे कि शरो पैदा हो चुका है सलामती का शहजादा पैदा हो गया है लेकिन फिर भी उनकी अकल जो थी वो खुदा के इरादे को जो थी समझती नहीं थी वो वो समझते थे कि वो फौज बनाएगा वो हमें जो रोमन से आज़ादी दिलाएगा वो ऐसे आम आदमी को नहीं समझते थे जो गधे पे आएगा। अच्छा राइट ये जो पिलातूस है अब इसका इख्तियार अगर देखा जाए कि वो इतनी बड़ी सनहेड्रेंट पूरी बैठ रही है और वो कह रहे हैं कि वाजिबुल कत्ल है ये सजा नहीं दे सकते लेकिन ये जो पिलातूस आदमी है ये सजा दे सकता है इसका एटीट्यूड बड़ा अजीब है एक बार यसु मसीह को इंक्वायर करता है फिर बाहर जाता है और पहले अव्वल इससे पहले तो ये सवाल उठता है कि ये बाहर क्यों खड़े थे फैसले तो कि लोग किले के अंदर होते थे तो ये सब लोग बाहर क्यों खड़े रह गए थे पहले तो मुझे इस बात का थोड़ा सा वो ब्रीफ कर दें यहूदियों की ईद फसा आने वाली थी और अगर वो किसी गैर यहूदी के घर में या उसके किले में दाखिल हो जाते तो वो नापाक हो जाते और वो फसा नहीं खा सकते थे तो इसलिए वो, वो पूरा मजमा वो किले के बाहर खड़ा हो गया जिनको वो सरदार कहन अपने साथ लेके गया था और वो पीछे से नारे मार रहे थे तो वो जाकर वहाँ पर खड़ा हो गया और अंदर कोई नहीं गया अंदर वो सिर्फ यसू को लेके गया तो वो इसलिए ले नहीं जाते थे कि अगर वो जाएंगे तो नापाक हो जाएंगे अच्छा कितनी अजीब सी ये बात है कि उन्होंने सिर्फ फसा खानी है और उनकी उनको अपनी नापाकी का एहसास है जो उनके दरमियान मसीह है जिसको वो नाजायज और लगाकर, गरीब इल्जाम लगा कर जो जिसको साबित नहीं कर सकते वो खुद कहता है कि मैं हूं। तो मौत की सजा दिलवाने वाले फसा खा सकते हैं उनको कोई वो उन पे बदी नहीं आयो होती कि वो एक गलत काम करने जा रहे थे देखिए वो खुदा के एक अजली इरादे को कामयाब करने की एक वो भी कोशिश थी कि खुदा का जो अजली इरादा है वो वहां पर पूरा होना था तो इसलिए सारी चीजें मिलकर ये कोशिश कर रही थी कि यीशु को जरूर फांसी हो जाए इसलिए वो, उनके वो वो कर ही यही सकते थे इसके अलावा कुछ और कर भी नहीं सकते थे उन्होंने यीशु पे दो किस्म के इल्ज़ाम लगाए एक तो वो चाहते थे कि रोमन इसके खिलाफ हो जाए और फौरन इसको देते थे और दूसरा ये कि इसके ऊपर बगावत का इल्ज़ाम लगा दें तो दो एक सियासी और एक मजहबी तो सबसे पहले उन्होंने सियासी इल्ज़ाम लगाया सियासी इल्ज़ाम ये था कि इसने कैसर को जजिया देने से मना किया है और दूसरा यह था कि यह खुद को यहूदियों का बादशाह कहता है तो जो ये जो सरदार ये पलातूस था यह बड़ा समझदार आदमी था इसको इस बात से कोई गरज़ नहीं थी कि यहूदी क्या कर रहे हैं ये मेरे किले के अंदर नहीं आ रहे वो इनकी किसी बात से भी चिपका नहीं रहना चाहता था वो उठने का बाहर खड़े हैं तो खड़े रहें हुँ. वो उनकी किसी भी मजहबी रसूमात में कोई भी मुदाखलत नहीं करना चाहता था तो वो इस बात से चिपका नहीं रहना चाहता था कि यहूदी क्या कहते हैं और क्या करते हैं वो ये चाहता था कि उसको ये पता लग जाए कि रोम को तो कोई खतरा को तो नहीं।, तो नहीं है तो इसलिए उसने उसने मुझसे कहा, कहा कि क्या तू तूियों का बादशाह है तो यसु ने उससे कहा कि क्या ये तू अपनी तरफ से पूछ रहा है या तुझे जो बाहर लोग खड़े हैं उन्होंने ये सिखा कर भेजा है तो जब यसु ने ये सवाल किया तो वो बिल्कुल हैरान हो गया कि एक आदमी जिसके कत्ल का मुकदमा चल रहा है तो वो इतना बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या तुझे उन्होंने कहा है या तो अपनी तरफ से पूछ रहा है तो वो कहता है कि क्या मैं ये तुझे लगता हूँ कि मैं वो उनकी बात को पूछूंगा तो वो कहता है कि नहीं मैं अपनी तरफ से पूछ रहा हूँ तो उसने कहा कि हाँ मैं हूँ लेकिन मेरी बादशाही यहाँ की, की नहीं उसने है उसने इनकार नहीं किया तो जब यीशु ने कहा कि हाँ मैं बादशाह हूँ तो उसने कहा ए, उसने उसको ये बात समझ में आ गई और यसु ने यह भी कहा कि मैं अगर मैं इस दुनिया का बादशाह होता तो मेरे शागिर्द इनसे जंग करते वो इनसे लड़ते और मुझे इनके हवाले न करते और ना मैं ख़ुद इनके हवाले इनक, इन, इनको दिया जाता तो यसु ने पलातुस से कहा कि अगर मेरी बादशाह इस दुनिया की होती तो खादिम लड़ते मेरे खादिम लड़ते इसलिए क्योंकि मेरी बादशाह यहाँ की नहीं है तो उसने मजीद पूछा कि फिर तू इस दुनिया में क्यों आया है जब तेरी बादशाह यहाँ की नहीं है तो यसु ने कहा कि मैं इस वजह से इस रोज़ के लिए पैदा किया गया हूँ और इस इसलिए इस दुनिया में आया हूँ ताकि मैं हक़ की गवाही दूँ और हक की गवाही दूँ और जो इस गवाही कबूल करता है वो हकानी है क्योंकि हक़ हाँ की गवाही कबूल करने वाला क्या होता है हकानी हक़ हाँ को तस्लीम करने वाला तो उसने उसनेदीस ने यह नहीं पूछा कि हक हा, क्या है बल्कि वो उस ये सुनते ही वो बाहर चला गया क्योंकि उसको ये पता चल गया था कि इससे रोमन्स को कोई ख़तरा नहीं तो उसने बाहर जाकर कहा कि क्या मैं हर ईद पर मैं तुम्हारे लिए एक आदमी को छोड़ देता हूँ तो क्या मैं बराबा को बराबा के बदले यीशु को छोड़ दूं तो उन्होंने कहा नहीं इसे ले जा और सलीब दे और उन्होंने लोगों को भी उभारा और सब लोग चला चला के कहते थे कि इसको सलीब दे सलीब दो अच्छा आपने हक की बात की यीशु हक की गवाही देने आए थे तो जरूर है कि हम भी जाने के हक क्या है क्योंकि उसकी कोशिश उसने तो नहीं की पहला तो क्योंकि अगर वो करता तो हक को जानता तो उसकी भी मखलसी होती तो आज तो हम इस हकीकत से ये हम पर बिल्कुल आ, बात रोशन हो चुकी है वे खुदावन यीशु मसीह हैं उन्होंने हमारी खातिर जान दी है तो ज़रूर है कि हम हक की गवाही भी जो है इस मौका पर आपसे जाने देखें ये जो कलाम है ना ये सच्चा कलाम है खुदा का कलाम है तो जो खुदा का कलाम है उसको उसको साबित करने के लिए यीशु दुनिया में आया था में इसको बड़ी डिटेल से बताने की ज़रूरत है कि हकानी क्या होता है और हक क्या होता है सच्चाई क्या होती है सच्चाई यह है कि इंसान ने में गुनाह किया जिसको खुदा ने अपनी शक्ल पे बनाया था उसी इंसान ने गुनाह कर लिया बागन से उसको निकाल दिया गया और खुदा ने यहाँ पर एक वादा किया और वो वादा क्या था वो तेरी एड़ी पर काटेगा और तू उसके सर को कुछ लेगा कुछ लेगा जो औरत की नस्ल से पैदा, पैदा होगा तो ये एक वादा वहां पर किया गया था और वो ये भी चाहते हैं कि मूसा और को और कालब और यशवा को भी पत्थर मार मार के संसार करते तो तो खुदा कहता है कि मैं इस पूरी बुरी नस्ल को एक आदमी की तरह मार दूंगा जब ये बात होती है तो मूसा खुदा से ऊंधे मुलेट कर दुआ करता है कि आए खुदा तो इनको एक आदमी की तरह ना मार फिदिया देना ज़रूरी था क्योंकि गुनाह जो था वह सरजद हो गया था और ख़ुदा के दरमियान और इंसान के दरमियान रबता ख़त्म हो गया था तो सच्चाई का मुशाह सच्चाई को लोगों पर जाहिर करना इसके लिए मसीह यू आया था और उसने आकर जिसम में आकर क्योंकि खुदा ने अपना रूह मरियम के बतन में डाला और मसीह तजस्म होकर इंसान बनकर दुनिया में आया इसीलिए हम बेटा कहते हैं कि उसके अंदर रूह खुदा का था रूँ, और रूँ, खुदा रूँ। से बेटा का माने होता है निकला हुआ निकला तो वो खुदा से उसका रूह निकला था इसलिए वो बेटा है और बेटा होने की वजह से वो दुनिया में आया और इंसानी जिसम में आया और इंसानी जिसम में आकर उसने पूरी पूरी कुर्बानी थी क्योंकि वो बेगुना था उसने उसमें कोई ऐब नहीं था उसने सच्चाई से वो तमाम पेशन गोईयाँ पूरी की जिनको कहा गया था कि वो लोगों को शफा देगा वो लोगों के गुनाह मुआफ़ करेगा एक एक बात को उसने पूरा किया और उसने खुदा के कलाम को अमली तौर पर साबित कर दिया कि मुशाह कर दिया लोगों को दिया कि खुदा जो है सच्चा है और सच्चाई के कलाम जो है सच्चाई मजस्म हो गई और उसने एक एक बात को साबित किया कि खुदा ने जो कहा है वो सच है वो सच तो है। खुदा की सच्चाई इसी से साबित होती है कि मसीह दुनिया में आकर उसने इंसान के बदले में अपनी जान दी उस इनके गुनाह को उठा लिया आज जो इंसान उसको कबूल करता है वो गुनाह से मुबरा हो जाता है उसके सारे गुनाह माफ हो जाते हैं ये खुदा एक है चाहे कोई किसी भी मज़हब का आदमी हो किसी भी रंग का आदमी हो किसी को भी मानने वाला हो लेकिन सबका पैदा करने वाला एक खुदा है और वो जो सच्चाई उसकी है उसको साबित करने के लिए मसीह दुनिया में आया लिया सच्चाई लिया। मामूर सच्चाई मामूर होकर हमारे दरमियान जब सच्चाई हमारे दरमियान आई और उसने खुदा की सच्चाई को साबित कर दिया और खुदा की सच्चाई जब साबित हुई और इसको जो तस्लीम करता है वो हकानी है तो सच्चाई का जो अमली मुशाह है खुदा की सच्चाई का अमली मुशाह है वो मसीह ने किया और आज जो कोई उस पर सच्चाई को तस्लीम करता है खुदा की सच्चाई को मसीह खुदा की सच्चाई है और उसको जो तस्लीम करता है वो हकानी है और उस पर सज़ा का हुक्म नहीं अच्छा हक पे तो हर बंदा कहता है कि मैं हक की बात करता हूँ लेकिन खुदा की बात कोई नहीं करता और ना कोई हकानी बनता है ना कोई ख़ुदा के पीछे चलता है क्योंकि इंसानी अकल में ये बात आना कि खुदा तजसम ले और ख़ुदा जो है वो यहाँ तक अपने आप को गिरा दे या यूँ कह लें कि झुका दे अपने आप को खाली कर दे कि जान दे दे इस पर इंसानी अकल जो है वो इस बात को यकीन ही नहीं करती और ना इंसान जो है वो इस चीज़ पर आते हैं और सच्चाई जैसे कि आपने बड़ी ख़ूबसूरती से बताया कि उसने सारी पेशन गोइयों को मुकम्मल किया अपनी जिंदगी में उसने सारी बातों को पूरा कर दिया फिर भी आज भी इंसान बहुत सारे लोग दुनिया में हैं जो इसी बात पर हैं कि जो है शिर किया जाता है खुदा की साथ में खुदा तो खुद तजसम लेकर आया तो अगर खुदा जमीन पर हो और बक वक्त जब ये कहा जाता है कि खुदा हर जगह मौजूद है तो फिर उसकी डिविनिटी तब कम नहीं होती अगर हम ये कहें कि जब वो तजस्म हो गया तो हम उसको एक्सेप्ट ना करें तो बहुत खूबसूरत बहुत बड़ी बात कह दी आपने मैं यहाँ पे थोड़े से पिलातूस के एटीट्यूड से मैं शुरू में भी कंफ्यूज थी इतना बड़ा गवर्नर है सज़ा देने का इख्तियार है वो किस बात पे कंफ्यूज था जैसा कि आपने कहा कि दो बातें वो चाहता था जानना यहूदियों को जो है ये मसाइल होते हैं और ये अंदर भी नहीं आते डेफिनेटली ये तोहहीन है एक अदालत की कि वहाँ अंदर ही ना आया जाए और बाहर से खड़े हो के ख़ुद को मोतबर और ख़ुद को पता नहीं क्या क्या समझा जाए लेकिन इसकी कन्फ्यूजन की तो कोई इतहा ही नहीं है एक बार जाता है यसू मसी को इंक्वायर करता है एक बार आता है लोगों से कहता है इसमें फ़ैसला करने की जबिलत नहीं थी देखें वो ये पहली तो बात है कि वो यहूदियों के किसी भी बात से चिपका नहीं रहना चाहता था वो चाहता था कि यहूदियों के जो मसाइल हैं ये खुद अपने हल करें मैं ये देख लूँ कि क्या इससे रोमन्स को कोई ख़तरा तो नहीं इसलिए वो बार बार उसने करता भी था। कुछ सुना होगा यीशु के बारे में क्योंकि इतना इजी नहीं था यीशु को भी वो देना सलीब दे देना क्योंकि वो बार बार आके पूछता है क्योंकि अगर उसने देना था उन्हीं को उनको भी तो दे रहा था आपने कहा और बाइबल भी मुकदस में भी लिखा है कह रहा था कि तुम खुद ही ले जाओ और इसको सजा दे दो तो इतने फिर यसु को इंक्वायर क्यों कर रहा था उसके पीछे वो, क्या बात? वो, वो कहता था सजा दे दो लेकिन वो ये नहीं कहता था कि इसको मौत की सजा दो अच्छा वो कहता था की जुर्म क्या है जुर्म तो कोई साबित हो ही नहीं रहा था नहीं। तो वो कहता कि मैं इसमें किसी कोई भी इसके ऊपर कोई भी जुर्म इस पर साबित नहीं हो रहा तो इसलिए अगर तुम्हारा कोई शरीयत का कोई कानून टूटा है तो तुम इसे ले जाओ और इसको सजा दो लेकिन वो ये नहीं कह रहा था कि इसको इनको इसको फांसी की सजा दे दो तो वो इस बात से वो देना भी नहीं चाहता था और ये कहना भी नहीं चाहता था कि जाओ इसको स्लीप दे दो तो लेकिन आपको पता है कि उसकी बीवी ने भी एक पैगाम भेजा था कि मैंने आज इस शख्स के की बदौलत बहुत दुख उठाया है तो तू इसकी सज़ा के साथ कोई तलक ना रखना तो वो उसको बाहर ले गया और कहा कि मैं इसका क्या करूं तो वो उन्होंने कहा कि चला चला के कहा कि इसको सलीब दे इसको सलीब दे अगर तू इसको सलीब नहीं देगा तो तू कैसर का खैर नहीं तो क्योंकि यशु ने कहा था कि वो इल्ज़ाम लगाते थे कि ये इसने कैसर को जजिया देने से मना किया है तो तू कैसर का खैर खा नहीं तो जब उसने ये देखा सुना कि ये तो मसला बढ़ता ही चला जा रहा है और ये तो मुझे भी इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं तो फिर उसने कहा कि अपने सिपाहियों को कहा कि इसको ले जाओ और जैसे ये कहते हैं वैसे करो इसको स्लीप दो तो फिर वो उसको लेकर चले गए अच्छा लोग यहाँ देखें शरीयत के आलिम लोग हैं और ये सब जानते हैं कि ये इनके पास से इख्तियार गया हुआ है ये ये यसु मसीह के मुआजात को देख कर बहुत से मौक़ों पर खुदा यसु मसी ने इनको ख़ुद सिखाया कि अगर मेरी उस पर बात बातों पर यकीन नहीं करते तो मेरे कामों से ही ईमान ले आओ और वो काम यसु छुप के नहीं करते थे सरेआम करते थे गुनाहों को मुआफ़ करना और हर वो काम करते थे जो नामुमकिन था जो सिर्फ खुदा कर सकता है ये लोग अपने आप को कैसर का तो मुखालिफ नहीं बनाना चाहते और एक इन्होंने एक क्या कहते हैं उज़र बनाया है कि तू भी उसका मुखालफत करेगा अगर तो इसको सजा ना देगा लेकिन ये खुदा के मुखालिफ बनना इन्होंने ईज़ी समझा क्या कहेंगे आप इसके बारे में देखें वो ये समझते थे कि अगर इस शख्स को वो सलीब दे देंगे तो वो अपने मज़हब की बहुत बड़ी ख़दमत करेंगे वो ये बात तो तस्लीम करते ही नहीं थे कि ये जो मौज से करता है वो खुदा की कुदरत से करता है या खुदाई ताकत से करता है वो तो ये समझते थे कि अल्ज़ाम लगा देते थे कि ये तो जादूगरों के सरदार की वजह से करता है ये हर मौजे पर वो कोई ना कोई बात करते थे जैसे ये सुमसी ने एक बेवा के बच्चे को ज़िंदा किया तो वो कहते थे कि तीन दिन तक तो किसी शख्स की रूह जो है उस आसमान पर, पर नहीं जाती तो ये जादू से उसकी रूह वापस ले आता है तो ला कर तो उसमें डाल देता है तो ये कोई मोज नहीं हुआ ये सिर्फ महज अतफाक बात है लेकिन जब यसु ने लाजर को जिंदा किया तो वो चार दिन का मुर्दा था उसके अंदर बदबू पैदा हो गई हुई थी तो वो जब जिंदा हो गया तो फिर उनको ये पता चल गया कि अब इसका जिंदा रहना हमारे लिए हमारे कौम के लिए बहुत ही खतरनाक है वो अपने लिए अपने पेशे के लिए भी बड़ा बुरा समझते थे कि अगर ये साबित हो जाए कि ये मसीह है तो फिर हमें सब कुछ हमारी भी ताजदारी जाती ताज़दारी रहे जाती रहेगी रहे तो वो ये कब तस्लीम करने को तैयार भी नहीं थे और फिर यहूदियों में ये पक्की बात थी कि वो ये बात कभी भी तस्लीम ना करते गोश्त और खून में खुदा हो सक उनके साथ जो कुछ हो चुका था और जिस तरह से हैकल में दाखिल जो थे वो नहीं हो सकते थे तो वो उनका ये बिलीव करना भी जो था बड़ा मुश्किल था बेशक लिखा हुआ था और वो उसको रट्टा तो लगा लेते थे लेकिन उसको जगह नहीं देते थे अच्छा डाकू आपने जिक्र किया कि वो बराबा को उन्होंने चुन लिया डाकू था डाकू कोई अच्छे काम तो नहीं करते तो एक डाकू को चुना उन्होंने यसू के अगेंस्ट कि हम इसको चुनते हैं इसको तो रिहा कर दे डाकू से कोई खतरा नहीं है इससे बड़ा ख़तरा ये ठीक भी कर रहा है ये कुर्सियाँ भी हिला रहा है और अपने आप को शलो भी इसने ये है और जो कुछ भी उनके माइंड सेट में था आज हम किस को चुनते हैं क्या हम भी दौलत को नहीं चुनते हो सकता है कि हमारा बराबर कोई दौलत हो हमारा बराबर कोई ऐसा काम हो जिसको जो खुदा नहीं पसंद करता तो हम भी क्योंकि अगर उस वाक्य पे सारे पे नज़र डालते हैं तो बड़ा बुरा लगता है कि कितने उन्होंने बेवकूफ़ाना काम किया कि उन्होंने डाकू को चुना और यसू को नहीं चुना तो आज जानते हुए वो तो चले फिर ना समझी की हालत में थे और खुदा के एक बड़े काम को जो कि इसी तरह से वकू में आना था वो सब कर खुदा की मर्जी की तकमील रहे थे लेकिन आज उस नेकी को जो खुदा बाप ख़ुद शुरू कर चुके हैं वो नेकी आगे 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 बढ़ रही है अब बात आती है हमारी हम किस को चुनते हैं बराबा को चुनते हैं या यस्ु को चुनते हैं क्या कहेंगे आप देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब कभी हमें ज़िंदगी में मौका मिलता है तो हम बराबा को ही चुनते हैं कैसे भला फर्ज़ करें कि आपको किसी मजमे में खुदा के जलाल को जाहिर करना हो तो आप डर जाएंगे और जब हम डर जाएंगे तो हमने बराबा को चुन लिया हमें किसी भी मजमे के सामने अगर हमें ज़िंदगी में मौका मिलता है कि हम उस खुदा की गवाही दें जो जिसने अपने तजसम लेकर खुदा के सच्चाई को दुनिया पे जाहिर कर दी गवाही दे दी हक की गवाही दे दी और अगर हम अकानी हैं तो हमें उस मौके पर कभी भी डरना नहीं चाहिए हमें खुलकर ये बताना चाहिए कि ये ही खुदा है आम बहुत बहुत शुक्रिया पा साहब आपने तो आखिर में वो बात कर दी जो आ, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है कि अक्सर लोग कहते हैं कि मसी जो है वो तीन खुदाओं को मानते हैं तो हमारा खुदा जो है वो कभी भी किसी भी रूप में कहीं भी मौजूद हो सकता है आ, बहुत खूबसूरत और हक की गवाही में मज़ा आया क्योंकि हक की गवाही सुनने वाला और उसको देने वाला वो दोनों ही खुदा को जो है वो अजीज़ हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजीजों आज हम कहाँ पर हैं क्या हम हक की गवाही देते हैं जिसकी गवाही यसु ने दी क्या हम खुदा की गवाही देने को तैयार हैं क्या हम हकानी हैं हम यसु के पीछे आते हैं उसने कहा रह, हक और जिंदगी मैं हूं अगर यसु ही राह है तो उस राह पर चलने वाला हकानी है यसु ही जिंदगी है तो उस जिंदगी को पाने वाला मौत को फिर ना देखेगा तो अजीजों प्रोग्राम देखते रहिए और अपने ख्यालात में अपने रूह में खुदावंद में खूब बढ़ते जाइए और मसरूर रहिए फिर मिलेंगे अगले हफ्ते इसी जगह इसी वक्त खुदाफिज